सावन का पहला और पहला सोमवार होने की वजह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। शिव की नगरी काशी की बात करें, बाबा विश्वनाथ की नगरी की बात करें, तो यहां माहौल शिवमय है। जानकारों के अनुसार यह शुभ संयोग करीब 70 साल बाद आया है। लाखों भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से यहां पहुंचे। मंदिर प्रशासन के अनुसार करीब 9 से 10 लाख श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक आज करेंगे। दूसरी तरफ इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार और उनकी भव्य मंगला आरती हुई। बाबा के भक्तों और कांवड़ियों के उमड़े जनसैलाब के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत हुआ। यहाँ भक्तों को करीब 5 से 6 घंटे कतार में लगने के बाद बाबा का दर्शन करने के सौभाग्य मिले। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर से जायजा लिया संवाददाता अभिन्द्र प्रताप सिंह ने, तस्वीर देखिए। सावन का पहला दिन और पहला सोमवार विशेष संयोग माना जा रहा है। 5 सोमवार इस बार सावन में पड़ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी इसमें पूरी बमबम हो चुकी है। भक्तों का भीड़ यहां पर देखा जा रहा है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक भक्तों की कतारें लगी हुई है और दो दो कतारें, दो दो लाइन एक साथ चल रही है। जिस तरह से प्रशासन को भी यहां पर काफी मुस्तैद होना पड़ रहा है, प्रशासन को भी काफी कठिनाइयां हो रही है लोगों को भीड़ को संभालने में। यहां पर भक्त दूर दूर से यहां पर लोग भी आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए। यहां पर जिस तरह से भक्तों में उत्साह है लोगों का दर्शन करने का, लेके कुछ लोग यहां दर्शन करके वापस आए, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं। तो कैसा रहा आप दर्शन करने में? दर्शन तकरीबन 11 घंटा लग गया हम लोग को। कितनी देर से लाइन में लगे थे? रात के 12:30 बजे लाइन में लगे हैं और अभी दर्शन करके निकले हैं। 11 घंटे लगे दर्शन। कैसी व्यवस्था है प्रशासन? व्यवस्था ठीक है, बट कहीं ना कहीं नागरिक को खुद भी सहयोग करना होगा ताकि व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके। व्यवस्था बनी हुई है सिंगल कतार चलने की, अगर उसमें डबल या ट्रिपल करके चलाएंगे हम तो जाहिर रूप से है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को फिर से उसको रिव्यवस्था करना पड़ेगा। पुनर्व्यवस्था करने के लिए समय चाहिए फिर आपको, तो उस चीज़ के वजह से ही व्यवस्थापक को समय ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अंदर पहुँचने के बाद दर्शन में मुश्किल से आधा से 1.25 घंटा लग रहा है, बट जो ये दूरी तय करना है आपको गंगा घाट से नहाने के स्नान करने के बाद से लेकर मंदिर के प्रांगण में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं करके, ये ड्यूरेशन जो है ये सबसे लंबा हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यवस्था को ये देखना होगा कि इसको कितना जल्दी फास्टन कर सके ताकि लोग का दर्शन जल्दी हो सके। उस बारे में पहला सोमवार भी है, विशेष संयोग भी है, इसको लेकर क्या? जहाँ तक पहला सोमवार का सवाल है, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि ये पहले से ही डिसाइडेड है, डेट डिसाइडेड है, क्या लोगों की भीड़ आती है ये डिसाइडेड है करके। 70 साल बाद ये संयोग आया है, जिस तरह से 5 बार सोमवार पड़ा, सावन के पहले दिन पहला सोमवार, 70 बार ये माना जा सकता है। लेकिन पहला सोमवार तो पहला सोमवार ही होगा ना सावन का। कहने का ये मतलब है कि अगर व्यवस्था को पहले से ही सुचारू किया जाए, इस चीज को सोच करके चला जाए कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं, पहले सोमवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है करके, तो उसके हिसाब से व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए। जहाँ पे कहीं ना कहीं आप कहाँ से? जी मैं सेम टीम में हूँ, मैं भी बिहार से। देखा कितना देर लगा आप लोग दर्शन करने में, जो कॉरिडोर बनने के बाद किस तरह से इसको देखा? जी मेरा भी सेम स्पैन ऑफ टाइम था, बट दर्शन करने के बाद मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं वो सारे कष्ट भूलने को तैयार हूँ। एक बार बाबा के दर्शन हो गए, आई एम हैप्पी विद। वो ज्यादा जरूरी जी। तो इस तरह से लोग जो आए दूर दूर से दर्शन करने के लिए, और कुछ भक्त यहाँ पे कतार में भी लगे हैं दर्शन करने के लिए, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं, पहली बार आए काशी दर्शन? कई बार आ चुके हैं। कितने देर से कतार में लगे हैं? ये सुबह से लगे हुए हैं, 6 बजे। व्यवस्था कैसी है आप लोगों को, क्या लग रहा है? व्यवस्था आपकी बहुत सही नहीं है। व्यवस्था तो सही नहीं है, भीड़ भी कुछ ज्यादा पिछले बार से देखे होंगे, पिछली बार आए होंगे। व्यवस्था सही नहीं है सर, प्रशासन चाहते तो सब सही। तो इस तरह से कुछ श्रद्धालुओं में नाराजगी है कि व्यवस्थाएं इस बार सही है, जो कि सच्चाई ये है कि इस बार पिछले बार से काफी अधिक भीड़ भी है। लोग यहाँ पे जो इस तरह से पहुँच रहे हैं, भक्त यहाँ से दूर दूर से आ भी रहे हैं लोग यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? हम झारखंड रांची से आए हुए हैं। झारखंड रांची से? कितने देर से लाइन में लगी है? हम लोग 7 बजे से लगे हुए लाइन में। 7 बजे सुबह से लाइन में लगी है। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है, जैसे कि प्यास वास भी लग रहा है, जगह जगह भी छांव के हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से जगह जगह? हाँ, लेकिन बहुत कोई को नहीं मिल पा रहा है, जितना होना चाहिए उतना बहुत भक्त को नहीं मिल पा रहा है। आप दादी कहाँ से आई हैं? नामकुम से। कितने देर से लाइन में लगी है? हैं? कितने देर से लाइन में लगी? 7 बजे से। सुबह 7 बजे? हाँ। तो इस तरह से देखिए, जो कि सुबह 7 बजे से भी लोग लाइन में लगे हैं, गर्मी भी है, इसकी वजह से लोगों को जो प्रशासन की तरह से व्यवस्था भी की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है, जो कि
जो मंदिर की तरफ से जो भी मार्ग जाते हैं उसको लेकर, और यहाँ पे जो अभी तक जो देखा जा रहा है काफी भक्त यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं किस तरह से दर्शन करने को लेकर। बाबा विश्वनाथ की नगरी पूरी बमबम है इस वक्त, और देखा जा रहा है 5 जगह LCD TV भी लगा के लाइव दर्शन कराने के लिए भक्तों को लगाया गया। यहाँ तक रेलवे स्टेशन हो गया, मंदिर प्रशासन के मंदिर के गेट के बाहर भी लग गया, इस तरह से दर्शन लोग कर रहे हैं भक्त। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।